Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel and thanks for watching this video. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं, तो सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे लॉकडाउन लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो चलें देखते हैं. अभी मैं आया हूँ पार्क में, तो वॉक के लिए चलते हैं और देखते हैं कि लोग जो है ना वो पार्क में कैसे इंजॉय कर रहे हैं. वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप विदाउट एनी रीज़न बाहर नहीं जा सकते, और पुलिस जो है ना वो इस चीज़ को लाइक नहीं करती कि आप बाहर आएँ और आपको कोरोना वायरस हो जाए. एनीवे, कुछ लोग आते हैं बाहर और इंजॉय करने के लिए. वैसे वंस इन अ डे, लाइक दिन में एक दफ़ा आपको अलाउ है कि आप आएँ बाहर, आके एक्सरसाइज करें. एंड यस, बट नॉट लाइक ऑल द डे लॉन्ग, जस्ट अ फ्यू आवर्स और समथिंग लाइक. तो कितनी प्यारी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं. दिस नेचर इज वेरी नाइस जी. तो अभी देखते हैं पार्क में क्या चल रहा है. वैसे तो पार्क इंतहाई क्वाइट नज़र आ रहा है मुझे तो. अब मैंने शो ये कंडीशन ऑफ पार्क ना हो, सो हियर वी गो. पार्क की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि पार्क तो ऑलमोस्ट डिजर्टेड है. लाइक यू हार्डली सी एनीवन हियर इन दिस पार्क. ये बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया है, यहाँ पे बच्चे तो नहीं हैं. चलें लेट्स गो, आज हम ही बच्चे बन जाते हैं और झूले लेते हैं. दिल के हर मासूम में बह गए. एक झूले लेने की तमन्ना थी वो भी. चले देखें ये, वरना वो पार्क है जहाँ पे हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है. ठीक है, और अभी ये टाइम है कि आपको हार्डली कोई एक आध बंदा कोई कभी नज़र आएगा. ये देखें कभी, वरना इस पार्क में आजकल कौवे और चिड़ियाँ चहचहा रहे हैं. कौवे कैं कैं कर रहे हैं और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं. इस पार्क की एक और एक खासियत है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झील है, तो मैं आपको उस झील की तरफ लेके जाता हूँ. हल्की हल्की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ, और मौसम बाहर की आमद आमद है. ये देखें दरख्तों पर फूल, इतने प्यारे फूल निकल रहे हैं, इतने प्यारे. और अभी अराउंड एक वीक या दो वीक के बाद यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत ग्रीनरी होगी और हर तरफ फूल ही फूल. एक वॉकवे बना हुआ है और साथ अक्रॉस द झील दूसरी तरफ भी एक वॉकवे है. अभी कुछ दिनों बाद जब मौसम बहार में ये सब दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो जाएंगे, फिर इस झील का नज़ारा ही इंतहाई खूबसूरत होता है. ठीक है, तो जब मैं कभी यहाँ आता हूँ यहाँ पे आके झील किनारे उधर बैठ के, लाइक ऑल अराउंड मी देयर इज अ नेचर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक यू सी द वाटर इज सो प्योर दैट यू कैन सी द बॉटम ऑफ द लेक. यू सी दीज आर लाइक वो जो पानी के अंदर कुछ पौधे नहीं होते, मेरा ख्याल है ये वो वाला है. आई थिंक सो. लेकिन ये एटलीस्ट यहाँ से गंदी नहीं है. गंदगी है इस झील की, लेकिन वो उस तरफ करके थोड़ी सी गंदी है एक साइड पे कोने पे. लेकिन उसके अलावा ये जो है ना ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरी. और देखें परिंदे देखें. ठीक है,
ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, इंतहाई। लेकिन ये तो हमारा एक लोकल पार्क है जो मेरे घर से तकरीबन को हर डी 5 मिनट की वॉक पे है। यहाँ पे एक और पार्क है जो इंतहाई खूबसूरत पार्क है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो जल्दी मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पे वो जो है ना वो वाटर स्पोर्ट्स ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे फूड का भी अरेंजमेंट है, और वहाँ पे वो पार्क बहुत बड़ा है। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पार्क इन द सिटी आई थिंक।